शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उर्वशी मैम, आप तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरे मॉडल को अपने एजेंसी के लिए साइन करने की? मैडम, क्या ये आपका मॉडल है? हाँ, मैं तुम लोगों की एजेंसी को बर्बाद कर दूंगी। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मुझसे पंगा लोगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि गौरव आपका मॉडल है। इस लड़की ने उसकी फोटो दी थी, उसकी प्रोफाइल अच्छी लगी, इसलिए हम साइन कराने यहाँ आ गए थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी औकात नहीं है उर्वशी मैम से पंगा लेने के। सॉरी। मैडम, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? मैडम, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमने कुछ गलत नहीं किया। बस, अब मैं तुम्हें एक और मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम, उर्वशी, मैडम उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? गहना को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? अब इसे पता चलेगा उर्वशी चौधरी से पंगा लेने का नतीजा। चिंता मत करो, तुम्हें ना सिर्फ छोटी माता आई है, कुछ नहीं होगा। हाँ बच्चा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। छोटी माता? What nonsense is this? पापा डॉक्टर को कॉल कीजिए जल्दी। हाँ जल्दी फोन कीजिए। तुम चिंता मत करो बेटा, बस अब भी ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर में। तुम्हारी गहना दीदी है ना तुम्हारे पास? दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन मैं महेंद्रा जी को दे देता हूँ, और बाकी आप जो कर रही हैं वो करते रहिए, इस लैब से आराम मिलेगा। ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, बच्चे को चिकन पॉक्स है, लेकिन इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। थोड़ा बुखार है, ये दवाई दे दीजिए, बुखार उतर जाएगा। आपके फैमिली डॉक्टर गुप्ता ने मुझे आज उनकी जगह भेजा है। मैं आपका फैमिली डॉक्टर तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी माँ ने आयुर्वेदिक लेप बच्चे पे लगाया है, जो देसी नुस्खा अपनाया है, उसकी वजह से बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। वो उसकी माँ नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। I'm sorry, मुझे गलत फहमी हुई। Excuse me. उस दो टके की नौकरानी को एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं। हम कहीं नहीं जा रहे।
जब तक प्रिंस ठीक नहीं हो जाता, चाहे जो कुछ भी हो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उर्वशी बिटिया, प्रिंस हमारा इकलौता नाती है और शायद एक ही रहेगा। इस लड़की की वजह से प्रिंस ठीक हो रहा है, इसलिए ये लड़की यहीं रहेगी और ये हमारा फैसला है। गौरव, ये दवा की पर्ची है, ये दवाइयां ले आओ। कुछ दिन रह लो। धक्के मार के तुम इस घर से निकालोगे। अभी प्रिंस की तबीयत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तब हमारा गौरव हमारे साथ ही जाएगा। गौरव मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। हम ना इस काढ़े में शहद डाल देते हैं ताकि प्रिंस को ये काढ़ा ज्यादा कड़वा ना लगे। कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सत्य सत्य कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सत्य सत्य मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार नजरों के बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार लच्छा से मरे रे जिया पिया लच्छा से मरे रे जिया पिया रे लच्छा से मरे रे जिया खोलो क्या कर रहे हो अब फिर से टकराओ वरना झगड़ा हो जाएगा कहाँ गिरती पड़ती रहती हो तुम क्या हुआ गौन तुम्हें याद है चुया जब बचपन में हम बीमार पड़ जाते थे तो ऐसा ही काढ़ा हमारे लिए भी बनाते थे और तब तक हमारे पास से नहीं हिलती थी जब तक हम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते थे हाँ हमें सब याद है गौन और हम हमेशा सब कुछ याद रखेंगे कुछ भूलने नहीं वाले चाहे कुछ भी हो हम हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे और हम हर वो चीज करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छी है प्रिंस की दवाइयां हम उसे खिला देंगे जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तुमने जो भी किया हमारे अच्छे के लिए किया लेकिन मैडम ने भी उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है उनसे जाकर बात करते हैं अभी रुक जाइए मैडम ये क्या कर रही हैं आप मैडम मैडम नहीं प्लीज मैडम प्लीज रुक जाइए मैडम हम आपके हाथ जोड़ते हैं प्लीज प्लीज रुक जाइए मैडम मैडम प्लीज रुक जाइए बस थोड़ा सा अरे प्रिंस गुड बॉय है ना जल्दी जल्दी ठीक होना है कि नहीं
तो फिर थोड़ा सा। अच्छा अब बाकी का थोड़ी देर के बाद पियेंगे, अब तुम सो जाओ बच्चा। ये माते प्रिंस को जल्दी से ठीक कर दो, हमारी इतनी विनती स्वीकार लीजिए माते। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।